नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी टुडे और मैं हूं आपके साथ कीर्ति सिंह। आइए रुक करते हैं खबर की ओर। पुजारी ने कहा मंदिर की जमीन बेचने की तैयारी में प्रबंधक। बेनीगंज कोतवाली में दिए प्रार्थना पत्र में धरौली गांव निवासी हनुमान मंदिर के पुजारी अशोक कुमार पुत्र श्रीपाल ने कहा कि मेरे भाई स्वर्गीय कन्हैया लाल ने बेनीगंज में संडीला प्रताप नगर सड़क मार्ग पर हिंदुस्तान पेट्रोल पंप के समीप खाली पड़ी जमीन हनुमान जी के मंदिर का निर्माण करने हेतु दान स्वरूप दिया था। उस मंदिर का पुजारी अशोक कुमार तथा मंदिर का प्रबंधक पुजारी की बहन सरोज मिश्रा, पत्नी संत प्रकाश मिश्रा निवासी हरदेवगंज थाना कोतवाली शहर को नियुक्त किया गया था, परंतु अचानक कन्हैया लाल की मृत्यु हो जाने के पश्चात मंदिर प्रबंधक सरोज मिश्रा द्वारा उस जमीन पर जबरन कब्जा करते हुए विवाद किया, जिस पर पुलिस की सहमति से दिनांक 8 सितंबर 2021 को सुलह समझौता हुआ था कि मंदिर की जमीन पर निश्चित तौर पर मंदिर का निर्माण ही होगा तथा जमीन का भविष्य में विक्रय नहीं किया जाएगा। इसके बावजूद मंदिर प्रबंधक एवं उसके दोनों पुत्रों विशाल मिश्रा, गौरव मिश्रा जमीन को लालचवश विक्रय करने की नियत से मंदिर में रखी हनुमान जी की प्रतिमा को चोला विहीन कर दिया है और मनमानी करते हुए पुजारी का कार्यभार सौंपने में आपत्ति जताते हुए पूर्व फैसले को अमान्य कर दिया। मामले पर मंदिर पुजारी अशोक कुमार ने आरोप लगाते हुए कहा है कि मुझे मंदिर में घुसने नहीं दिया जा रहा है। हनुमान जी की मूर्ति स्थापित किए चबूतरे को लोहे की राडों से तोड़ दिया गया है व मूर्ति को भी क्षतिग्रस्त कर एक कोने में रख दिया गया है, जो हम सभी की श्रद्धा और विश्वास को ठेस पहुंचाता है। इस संबंध में कस्बा इंचार्ज सत्य प्रकाश मिश्रा ने बताया कि मामला संज्ञान में ही दोनों पक्षों को बुलाकर मामले की हकीकत परखते हुए अग्रिम कार्यवाही की जाएगी। संवाददाता अनिश सिंह की रिपोर्ट। अशोक कुमार। पिता का नाम श्रीपाल। गांव कौन सा है? धरौली। थाना आपका? बेनीगंज। क्या समस्या है? समस्या बेनीगंज में मंदिर हमारा, हमारे भाई जो अब है नहीं, वो जमीन मंदिर में हनुमान जी के मंदिर के नाम से जमीन दे गए थे। वो 8 साल हुए हैं अभी तक मंदिर वो ऐसे ही पड़ा था, तो हमने 3 महीने पहले मूर्ति रखवाई तो उसका मूर्ति वो हमारी बहन जो थी वो प्रबंधक में लिखी थी, वो प्रबंधक होने के नाते से उन्होंने वो हम कहने लगे कि मूर्ति को हटवा देंगे, तो मूर्ति का चबूतरा तोड़ दिया, मूर्ति उठाकर कोने में रख दी और हमको भी भगाया वहाँ से। किन भगवान की मूर्ति थी? वो हनुमान जी की मूर्ति थी, हनुमान जी के मंदिर के जमीन ही थी उसमें। रखा किसने? रखा मैंने था। क्या तहसील प्रशासन में भी वो जमीन भगवान के नाम है? हाँ, तहसील प्रशासन में है, बैनामे में है। बैनामे में है। हाँ, तो उसका प्रबंधक कौन है? प्रबंधक उसकी हमारी बहन सरोज है, हरदोई की। सरोज ने ही तोड़ दिया? हाँ, सरोज ने ही तोड़ दिया। क्या तोड़ा? सरोज थी और उनके दो लड़के थे, सोनू नाम है, विशाल मिश्रा वो वकील हैं और एक गौरव। तो तोड़ा किसने मंदिर? तीनों लोगों ने मिलकर के तोड़ा है, मूर्ति को, मूर्ति को तोड़ा है। और क्या किया? और उसके बाद हमको निकाल दिया, हम उसमें पुजारी थे तो पुजारी हैं जब, तब हमको निकाला उसने। अब क्या चाहते हो? हम चाहते हैं मंदिर बनना चाहते हैं। हाँ जी, तो वो लोग क्यों नहीं बनने दे रहे? वो उसको बेचना चाहते हैं। हाँ जी, बेचना चाहते हैं। बेचना चाहते हैं। तुम्हारी कोई बात हुई उनसे? हाँ, हमारी बात कोई नहीं, वो कहते हैं कि हम बेचेंगे बेचेंगे, यही कहते हैं तुम निकलो यहाँ से, हम बेचेंगे इसको। पुलिस में, प्रशासन में? पुलिस प्रशासन में भी बात हुई, पुलिस प्रशासन ने सुनी और गए वहाँ पर और फिर वापस चले आए। कहाँ गए थे? गए थे मंदिर पे। पुलिस मंदिर पे गई थी? हाँ गई थी। फिर वापस चली आई थी। कोई कार्रवाई नहीं? कोई कार्रवाई कोई नहीं की। वो लोग क्या मूर्ति तोड़ दिए? हाँ, मूर्ति वो हटा करके चबूतरा गिरा करके उसको मूर्ति कोने में रख दी और मूर्ति को लोहे के बुरुश से उसको साफ करके हटा फेंकना चाहते थे। क्या चाहते हो अब आप? क्या चाहते? हम चाहते हैं कि जैसा था वैसा ही होना चाहिए। ऐसी ही खबर से जुड़े रहने के लिए आप देखते रहें डीडी टुडे।